जोहार आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। मैं सचिन चंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल झारखंड मैथ्स जोन पे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है प्रश्नावली 2.3 होगा और हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए होगा। लेक्चर नंबर टेन हो रहा है ये। लेक्चर नंबर 9 तक मैं अभी तक बना चुका हूँ और उसका प्लेलिस्ट भी बना चुका हूँ। अगर आप लेक्चर नंबर 9 तक नहीं देखे हैं तो कृपया आप लेक्चर नंबर 1 से लेकर के 9 तक पहले देख लीजिए, तब आपको ये चीज़ ज़्यादा समझ में आएगा। लेक्चर नंबर 10 तो क्लास टेंथ के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 10 क्लास टेंथ के बच्चों के लिए लेक्चर नंबर 10 हिंदी मीडियम प्रश्नावली 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न तीन हम लोग आज बनाएंगे। देखिए क्या कहता है, 3x⁴ + 6x³ - 2x² - 10x - 5 के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। इस जो है कि इक्वेशन का, ये जो इक्वेशन है, ये जो समीकरण है, इस समीकरण का, समीकरण के अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। ये यहां से लेकर के ये यहां तक, ये एक समीकरण है, ठीक है, ये एक समीकरण है, बहुपद है। आप देख सकते हैं कैसा समीकरण, तो बहुपद वाला समीकरण है। एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद और पांच पद, ठीक है। इसका मैक्सिमम घात, मतलब सबसे ज्यादा जो घात है इसका, ये इसका घात क्या है, 4 है, ठीक है। तो ये जो है कि 4 घात वाला जो है कि 1, 2, 3, 4 और 5 पांच पद का समीकरण है। 4 घात वाला 5 पद का समीकरण है, तो इसके अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। यदि इसके 2 शून्यक √5/3 रहे, तो √5/√3 मतलब वही होल का √5/3 रहे और −√5/3 है, तो आप इसके अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक शॉर्टकट ट्रिक आप समझ लीजिए, बहुत ही अच्छा चीज़ है, ठीक है। देखिए अगर घात मैक्सिमम 4 रहे तो शून्य भी 4 आते हैं, और अगर मैक्सिमम घात 3 रहे तो शून्य भी 3 आएंगे, और अगर मैक्सिमम घात 2 है तो फिर शून्य भी 2 आएंगे। चूंकि यहाँ पर दो जो है कि शून्य दिया हुआ है, पहला शून्य √5/3 और दूसरा शून्य √5/3 और पहले में माइनस, इसके आगे में −√5/3 दिया हुआ है। तो दो शून्य दिया हुआ, तो दो एब्सोल्युटली है कि निकलेगा, जरूरी है कि वो निकलेगा ही निकलेगा। तो हल देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। पहले लिखिएगा हल, चूंकि दिए गए दो शून्य है, चूंकि दो दिए गए दो शून्य क्या है, x = √5/3 और x = −√5/3। तो ये दो शून्य है x, और ये x = √5/3 और x = −√5/3, ये दो शून्य है, क्या है, दो शून्य है, दो जीरोज है, याद रखिएगा। तो अब आगे क्या करना है, इनको कंबाइन रूप से लिख देना है, x −√5/3 और x, देखिए ये प्लस में था, ये प्लस में था तो इधर आ जाएगा, जीरो से जब इक्वेट करते हैं ये प्लस में था तो माइनस में आ जाएगा। जरा देख लीजिए, x = √5/3 है तो x −√5/3 हो जाएगा और =0 हो जाएगा, क्या यही चीज होगा। और जब x = ये नेक्स्ट देखिए, x = √−√5/3 है तो इधर आ जाएगा, तो x + √5/3 हो जाएगा, यही हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो देखिए ये प्लस में है तो माइनस में हो गया, ये माइनस में है तो ये √5/3 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, ये दो शून्य है, एक बात यहां पर आप समझ लीजिए, a+b और a-b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a²-b², क्या होता है, a²-b² होता है, ओके। a+b और a-b का आप इसको ट्रीट कीजिए a, और इसको आप ट्रीट कीजिए, ये देखिए ये 5/√5/3 है, इसको आप ट्रीट कीजिए b, इसको आप ट्रीट कीजिए a, और इसको ट्रीट कीजिए b। तो देखिए a-b और a+b में सेट हो गया, तो a²-b² होगा, तो a आपका क्या है जरा बताइए, तो a आपका क्या है, a आपका x है तो x का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b आपका क्या है, तो √5/3, देखिए √5/3 दोनों में सेम है,
तो रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर। अब जरा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर रूट, देखिए अब रूट अंडर 5/3 है, इसका मतलब ये कि रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर है बच्चों, तो इसका मतलब ये होता है, रूट का मतलब होता हाफ, क्या होता है हाफ। तो देखिए ये हो गया हाफ और ये होल का स्क्वायर है, होल का स्क्वायर है, तो ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बचेगा सिर्फ क्या 5/3, यानी कि रूट अंडर 5/3 का अगर आप होल स्क्वायर करेंगे, यानी कि आप रूट अंडर 5/3 का अगर होल स्क्वायर करेंगे तो वो सिर्फ 5/3 ही बचेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं -5/3। मैंने लिख दिया -5/3, क्यों भला, क्योंकि रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ -5/3 बचेगा। माइनस तो ये फॉर्मूला का है, ये रूट अंडर 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे तो सिर्फ 5/3 ही बचेगा। तो आप पहले ये लिख लीजिए, अब आगे आप क्या कीजिएगा, अतः लिखिएगा, अतः आप इससे इसी चीज से इसके दो और शून्य निकालिएगा, तो एक्स स्क्वायर -5/3 डिवाइडेड बाई, डिवाइड किसको करना है, तो 3x4 और प्लस 6x³ -2x² -10x और माइनस का 5, ठीक है, इसको डिवाइड करना है, मतलब एक्स स्क्वायर -5, मतलब इस पूरे पॉलिनोमियल को, इस पूरे समीकरण को 3x⁴ प्लस 6x³ -2x² -10x -5 को, इसको डिवाइड करना, इसको भाग देना किससे, तो x² -5/3 से। तो इसके बाद जो इधर आपका बचेगा इस तरफ वो कुछ भागफल आएगा और नीचे में शून्य इसका जो शेषफल होगा वो गारंटी है कि जीरो आ जाएगा, मैं बताऊंगा आपको कैसे आएगा। तो जब शेषफल जीरो आ जाएगा तो फिर हम लोग कहेंगे कि ज़रूर ये जो बहुपद है इसका ये क्या है, ये इसका गुणनखंड है। जब गुणनखंड होगा तो इसका शेषफल, इसका जो मतलब कि शून्य आएगा वो इसके भागफल के मदद से आएगा। मैं बताऊंगा अभी, आप चिंता मत कीजिए, है ना, अभी चिंता मत कीजिए, पहले आप इस चीज़ को समझ गए आशा करते हैं, यहाँ तक आपको इस ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सबसे पहले x² -5/3 को अब इसको इससे डिवाइड देंगे, क्यों भला, क्योंकि ये जो चीज़ है इसका शून्य है, जब ये चीज़ इसका शून्य है तो ये चीज़ इसका गुणनखंड भी होगा। तो चलिए सबसे पहले इसको डिवाइड देंगे और इधर भागफल के मदद से फिर भागफल जो आएगा उसको सॉल्व करेंगे, तो उससे फिर नया 2 शून्य और एक्स्ट्रा आएगा। मैं बताऊंगा, पहले आप इसको पहले उतार लीजिए, इस ये पोर्शन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इधर नीचे में जगह नहीं बचा है तो मैं उसको ऊपर वाला इरेज करके मैं बनाऊंगा इसको। तो चलिए बच्चों, अब ये जो नीचे वाला हिस्सा है मैं ऊपर में इसको लिख लिया हूँ और इसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा, और सॉल्व करके जो इधर अन्य गुणनखंड आएगा उसको सॉल्व करेंगे तो फिर इससे 2 शून्य और निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर रफ वर्क करना पड़ेगा इस हिस्से पे। देखिए x square में आप क्या मल्टीप्लाई करोगे, क्या कि आपका 3x⁴ आ जाएगा, आपको क्या चाहिए 3x⁴ चाहिए, तो आप इसमें 3x² मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि 2 और 2 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा और 3 का 3 उतर जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग सिंपली लिख लेते हैं 3x², जैसे 3x² में हम लोग 3x² मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x⁴ आ जाएगा, और फिर -5/3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। जरा देखिए -5/3 है, -5/3 को हम लोग को 3x² के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 3x² के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा और आंसर में आपका बचेगा -5 × x², तो -5x², ये आपका आंसर हो जाएगा। -5/3 × 3x² तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -5x² बचेगा, ठीक है। तो जरा देखिए, जब -5/3 से अगर 3x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो बचेगा -5x², तो ये देखिए इसके जात में रख देंगे x² वाला जात में, तो -5x² हो जाएगा, सेम कैटेगरी में रखेंगे, -5x² हो गया।
अब क्या करना, सिंपली प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, और ये सेम सेम है तो ये कट गया। और ज़्यादा देखिए x क्यूब वाला, तो 6x क्यूब पहले उतर जाएगा, 6x क्यूब फिर माइनस अब प्लस, माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो 5 में से 2 जाएगा तो कितने बचेगा, तो 3 बचेगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि प्लस का साइन जो है कि 5 में है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए माइनस 2x स्क्वायर है प्लस 5x स्क्वायर है, तो बड़ा कौन है, तो 5 बड़ा है, तो मेरा मतलब जो है कि साइन किसका लगेगा, 5 का लगेगा, बड़ा है 5 तो 5 का साइन लगेगा प्लस। ठीक है, अब देखिए 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, क्योंकि प्लस और माइनस माइनस होता है, 5 में से 2 जाएगा तो 3 बचेगा, लेकिन साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा इस बार, क्यों, क्योंकि 5 मेरा बड़ा है। अब 3x स्क्वायर का 3x स्क्वायर उतार दीजिए, माइनस 10x का माइनस 10x उतार दीजिए, और माइनस 5 का माइनस 5 भी उतार दीजिए। अब क्या कीजिए, आपको चाहिए x स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि 6x क्यूब होगा, जरा देखिए यहाँ पर समझिएगा। आप x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करोगे कि 6x क्यूब होगा, क्या मल्टीप्लाई करोगे कि आपका 6x क्यूब होगा, तो 6x क्यूब चाहिए आपको, तो 6x मल्टीप्लाई करने से अगर x स्क्वायर में 6x मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर x टू द पावर 1 है, 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा और 6 का 6 उतर जाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर में प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 6x मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे ही प्लस 6x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 6x क्यूब हो जाएगा, और माइनस 5 को जब 3 से, मतलब इधर देखिए, माइनस 5 बाई 3 को जब आप 6x से मल्टीप्लाई कीजिएगा, अब इसको उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 इंटू 6, तो 3 से 6 कितना बार में जाएगा, तो 3 टू जो 6 बार में, तो माइनस 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा, कितना हो जाएगा, माइनस 10x। तो जरा देखिए इसका यहाँ पर हो जाएगा माइनस 10x, जब हम लोग माइनस 5 बाई 3 को हम लोग 6x से मल्टीप्लाई किए, जब माइनस 5 बाई 3 को हम लोग जब 6x से मल्टीप्लाई किए, ध्यान दीजिएगा, जब माइनस 5 बाई 3 को, बच्चों माइनस 5 बाई 3 है और ये 6x है, तो जब माइनस 5 बाई 3 को हम लोग 6x से मल्टीप्लाई किए, तो ये 3 2 6 कट गया, 3 2 6 कट गया, और ये माइनस 5 इंटू 2 कितना हो गया, 5 2 10, माइनस का माइनस और x का x, तो माइनस 10x हो जाएगा। अब प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है, उसका उल्टा माइनस, माइनस है तो उसका उल्टा प्लस, और एक लकीर खींच दीजिए, और ये सेम सेम है, ऊपर में प्लस 6x क्यूब है, नीचे में माइनस 6x क्यूब है, तो दोनों के दोनों कट गया, मर गया। ये देखिए ऊपर में माइनस 10x है, नीचे में प्लस 10x है, ये भी आपस में कट गया, नीचे में क्या बच गया, जरा लिख लेते हैं, 3x स्क्वायर और माइनस का 5 बचा है, उसको भी मैंने लिख लिया है, और इस पोर्शन को मैं इरेज कर देता हूँ रफ करने के लिए। चलिए अब आगे बताइए कि x स्क्वायर में क्या ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा 3x स्क्वायर आ जाए। तो बड़ा सिंपल है, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3x, देखिए सिंपल से बात है ना, सिंपल से बात है, x स्क्वायर में आप क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा कि आपका 3x स्क्वायर आ जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर तो ऑलरेडी है, तो भाई हम यहाँ पर प्लस 3 कर लेते हैं, प्लस का 3 रख लेते हैं, तो जैसे ही x स्क्वायर को अगर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारा माइनस 5 बाई 3 है, माइनस 5 बाई 3 को अगर आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, देखिए माइनस 5 बाई 3 है यहाँ पर और वहाँ पर प्लस 3 है, तो एक बार इसको उससे, मतलब एक बार x स्क्वायर को 3 से और एक बार माइनस 5 बाई 3 को प्लस 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस 5 बाई 3 को अगर प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, बचेगा सिर्फ माइनस 5, तो जरा देखिए यहाँ पर मैं लिख दूंगा माइनस का 5। अब जरा देखिए प्लस है कुछ नहीं तो प्लस है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस, माइनस है तो उसका उल्टा प्लस। देखिए ऊपर है प्लस 3x स्क्वायर है, नीचे में माइनस 3x स्क्वायर है, आपस में कट के 0, मतलब 0 खैर लिखते नहीं है, माइनस ऊपर में है नीचे में प्लस है, तो कट के क्या हो जाएगा, 0, तो कुल मिला के एक ही 2 0 दीजिए, कितना 0 दीजिएगा, हालांकि बच्चा वाला अब जमाना गया आप लोगों का, ठीक है कि 2 0 देते हैं, 1 0 दे दीजिए वही काफ़ी है, ठीक है। और ये आपका क्या हो गया, शेषफल हो गया, क्या हो गया, ये आपका शेषफल हो गया। और यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो ये अन्य गुणनखंड मिल रहा है, एक दूसरा गुणनखंड मिल रहा है, तो इसी चीज़ को अगर हम लोग सॉल्व कर ले, 3x स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 3 को अगर सॉल्व कर ले, तो यहीं से हम लोग का जो है कि अन्य 2 शून्यक प्राप्त हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप जो है कि इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मैं
ये पूरा पोर्शन को इरेज कर देता हूँ रफ को, ठीक है, मैं इधर भी इरेज कर देता हूँ। तो तब तक आप इसका जो है कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वेट कर लेते हैं आप लोगों का। तो चलिए दोस्तों, अब ये जो हमारा जो भागफल आया हुआ था 3x² + 6x + 3, मैं उसको फिर अलग से लिख लिया हूँ अन्य गुणनखंड करके, ऐसे आपको भी करना है। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इससे हमारा अन्य दो शून्य प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, चतुर्थ बहुपद का, चतुर्थ बहुपद जो है उस समीकरण का प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3x² + 6x + 3 अब इक्वल टू जीरो लेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोगों को शून्य प्राप्त करना है, और यहाँ पर 3 कॉमन ले लेंगे सबसे पहले, देयरफॉर कर लीजिए, और दिस इम्प्लाइज डैट 3 कॉमन ले लेंगे, तो x² + 3 × 2 × 3 × x और 3 × मतलब ये 3 है तो यहाँ पर 1 ले लेंगे, इक्वल टू जीरो। जैसे ही आप 3 × 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा, 3 × x² = 3x² हो जाएगा, 3 × 2x = 3 × 6 = 6x हो जाएगा। अब चलिए देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, दिस इम्प्लाइज डैट x² + 2x + 1 इक्वल टू जीरो अपोन, ये इंटू में है, ये गुना में है 3, तो भागा में चला जाएगा, तो 0/3 क्या होता है, तो 0 ही होता है। तो कुल मिला के अगर हम लोग लिखेंगे तो x² + 2x + 1 इक्वल टू का 0। अब 1 का एलसीएम ले लीजिए, तो 1 का एलसीएम लेंगे तो 1 × 1 = 1, तो कुल मिला करके 1 को हम लोग ऐसा तोड़ देंगे, ठीक है, 1 × 1 = 1 में तोड़ देंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब अगर देखा जाए, इसको 1 + 1 करेंगे, बीच वाले टर्म को जरा देखिए, 2x को तोड़ना होगा, 2x को मिडिल टर्म को, बीच वाले मध्य पद को हमको क्या करना पड़ता है, स्प्लिट करना पड़ता है, ऐसा स्प्लिट करना पड़ता है कि जोड़ने पर 2x आए और मल्टीप्लाई करने पर 1 आ जाए। तो देखिए ये कैसे होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 था, तो 1 को जैसे ही 1 देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1 को जैसे ही 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का एलसीएम ले लेंगे, 1 × 1 = 1 और 1 + 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, बीच वाला पद टूट करके 2x हो जाएगा, मतलब 1 + 1 जुट करके 2x हो जाएगा, और 1 को 1 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा। तो यही काम करते हैं हम लोग, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 हो जाएगा, और 1 को 1 से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। देखिए, दिस इम्प्लाइज डैट x² 1 × 1 को लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 2x को हम लोग लिख सकते हैं x + x, ठीक है, और प्लस का 1 इक्वल टू का 0 बच्चों। चलिए अब मैं यहाँ पर कुछ कॉमन लूँगा, आप भी कॉमन ले लीजिए, x कॉमन ले लेते हैं, जैसे ही मैं x कॉमन लूँगा तो एक x अंदर बचेगा, x × x² हो जाएगा, अब प्लस का 1 कर देंगे, जैसे ही x को अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो x हो जाएगा। अब क्या करते हैं, अब इसी चीज़ को आँख मूंद करके, इसी टर्म को आँख मूंद करके सामने में लिखते हैं, तो लिख लेते हैं x + 1, ठीक है, x + 1 लिख लिए। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक का काम हम लोग कर लिए हैं, देखिए x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² होगा, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x हो जाएगा, x + 1 को इधर मैं लिख लिया हूँ, अब प्लस का 1 दे देता हूँ, तो 1 को अगर x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा, 1 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा, इक्वल टू का 0। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, ये x + 1 को हम कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट लगा देंगे, बचेगा मेरा तब x, तब क्या बचेगा, x बचेगा, और कुछ नहीं तो यहाँ पर प्लस 1 भी है, तो इक्वल टू का 0। अब चलिए मैं इस पोर्शन पे बताता हूँ, ये x + 1, दिस इम्प्लाइज डैट x + 1 और x + 1 इक्वल टू का 0 आया है, ठीक है, ये कर्ली ब्रैकेट अब हटा देंगे, तो भाई देखिए x + 1 = 0 हो गया, कॉमा x + 1 = 0 हो गया, इसका मतलब x = -1 हो गया, और x = उधर चला जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो अब हम लोग एक लाइन लिखेंगे, तो सबसे पहले आप ये उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं लाइन लिख लेता हूँ, लिख दूँगा फटाफट, आप पहले इसको उतार लीजिए। तो चलिए, तो बच्चों आगे देखिए क्या लिखना है,
मैं लिख दिया हूँ, अतः दिए गए चतुर्थ घात। चतुर्थ घात क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आप देखिए क्वेश्चन में आपको दिया गया था, क्या दिया गया था जरा मैं फिर से लिख देता हूँ, 3x4 और +6x³। ये आपको नहीं लिखना है, 6x³ -2x² और -10x और -5, ठीक है, ये आपको दिया हुआ था। तो इसका चतुर्थ, देखिए अतः दिए गए चतुर्थ घात, देखिए चतुर्थ घात है, चार घात है, चतुर्थ घात बहुपद, बहुपद क्योंकि 1, 2, 3, 4 और 5 पांच पद है, एक से अधिक पद रहे तो उसको बहुपद कहते हैं, है ना। तो यहाँ पर चार घात है, मैक्सिमम घात चार है, मैक्सिमम पावर चार है और मैक्सिमम पद 1, 2, 3, 4 और 5, मैक्सिमम पद 5 है। सॉरी, अतः दिए गए चतुर्थ घात बहुपद के शून्यक √5/3 है, −√5/3 है, ये पहले से दिया हुआ था, और ये -1 और ये +1। तो मैंने सिद्ध कर दिया कि अगर घात चार है तो शून्यक कितना निकलेगा, 1, 2, 3, 4, और अगर घात तीन रहता तो शून्यक कितना निकलता, 1, 2, 3 निकलता, और अगर घात दो रहता तो फिर शून्य के ठो निकलता, 2 निकलता, अगर घात एक रहता तो शून्य एक ठो निकलता। बहुत ही सिंपल है, कुछ है नहीं, इजी था, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 3। तो आज के इस लेक्चर में यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 11 में आप लोग से फिर से मुलाकात होगी, लेक्चर नंबर 10 आज यहीं तक। धन्यवाद हमारे वीडियो को यहाँ तक अंत तक देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं तब।